फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवमी और नवमी वाले दिन हलवे और चने का प्रसाद बनाया जाता है माता रानी को भोग लगाने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पे हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने पहले कढ़ाई में घी को गर्म करा हुआ, और इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो तो हलवे का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी लिया हुआ है। उसके बाद इसमें एक कटोरी मैंने सूजी डाला है और उसे भून लिया है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसमें मैंने ना हल्का सा फूड कलर जो आता है येलो वो डाल दिया है, और हलवे का कलर जो है वो हो गया है यहाँ पे येलो। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और एक कटोरी सूजी लिया था मैंने, और आधे कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चीनी डाल दिया है, और इसमें चार कटोरी मैंने पानी डालना है। ये इसका मेज़रमेंट होता है। और ऐसे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, ना कभी गाढ़ा होएगा और ना कभी पतला होएगा। एक्चुअली मेरे को पहले बनाना नहीं आता था, बट अभी आता है। और यहाँ पे हलवा बनके रेडी हो गया है। हलवा बन गया है, इसके बाद में मैं फ्राई करूँगी यहाँ पे चने। और जैसे आज नवमी है तो लहसुन प्याज इन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा, और पूजा वाले दिन लहसुन प्याज हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल गर्म करा है, उसमें सिर्फ हींग और जीरा डाल दिया है। उसके बाद में जो काले वाले चने होते हैं इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, रात को भिगा के रख दिया था, और उसके बाद में इन्हें सुबह बॉईल कर लिया अच्छे से। बॉईल करने के बाद में इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है, पैन में डाल दिया। और इसके बाद आप इसमें सारे मसाले डाल दें, नमक, मिर्च, धनिया और खटाई हल्की सी, अगर आमचूर पाउडर डालना चाहें तो आप वो भी डाल दें। और मैं हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे मैश करूँगी ताकि ये खाने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसके बाद में सारी चीज़ें जो हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। रायता है, सब्जी है, हलवा है, और ये साथ के साथ चना है, चने भी फ्राई हो गए हैं। और मैंने आटा भी पूड़ी और कचौड़ियों का आटा लगा के रख दिया। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, जितना जितना मेरे से हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि पूजा वाला दिन है और बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, और सुबह को जल्दी करना था, और साथ में छोटा बच्चा भी है तो उसे भी संभालना होता है। तो इसीलिए सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और अभी यहाँ पे भोग लगाने के लिए बना रही हूँ मैं खाना, क्योंकि पूजा की जो है वो सारी प्रिपरेशन हो गई हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं खाने के लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पहले पूजा हो जाए उसके बाद ही खाने के लिए खाना बनेगा। तो अभी मैं जितनी भी चीज़ें करी हैं उनके थोड़ा थोड़ा भोग लगाने के लिए यहाँ पे बनाऊंगी, दो कचौड़ियाँ बनाऊंगी, और उसके बाद में फिर पूजा के लिए पूड़ियाँ बनाऊंगी। और जो भी चीज़ें बनाई हैं मैंने उनमें से थोड़ा थोड़ा लेके माता रानी को भोग लगाना है, ताकि माता रानी भी खा लें। तो यहाँ पे कढ़ाई भी हो गई है, और इसमें मैं पहले बना लेती हूँ पूड़ियाँ, और उसके बाद में जो कचौड़ियाँ हैं उन्हें बनाऊँगी। अभी यहाँ पे रेडी हो गया है भोग के लिए, थाली जो है वो तैयार हो गई है, और अभी लगाएंगे माता रानी को भोग, और उसके बाद में ही अब खाना वाना बनेगा। और अभी टाइम हो गया है दोपहर का, खाना वाना खाने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, और दोपहर के टाइम पे ये काफ़ी कुछ कपड़े जो हैं वो पड़े हुए थे जिन पे आयरन भी करनी थी, और कल जाना है काई को स्कूल, तो उसकी जो यूनिफॉर्म है वो भी मेरे को आयरन करके रखनी है, शू पॉलिश करके रखने हैं। सारी तैयारियाँ मुझे आज ही करके रखनी है एक दिन पहले, क्योंकि शाम को उसको पढ़ाने का टाइम हो जाता है तो फिर मेरे को टाइम मिलता नहीं है, और सुबह इतनी जल्दी होता नहीं है। और ये यहाँ पे ना कायू सो रही थी, तो जैसे ही मैंने लाइट को ऑन करा है वो जग गई है, और जगते ही उसे थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके साथ में मस्ती करनी पड़ती है जिससे वो थोड़ी सी फ्रेश हो जाए, क्योंकि सो के उठता है बच्चा तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा तो रहता ही है। तो अभी मैं उसका मूड यहाँ पे ठीक करूँगी, थोड़ी देर उसके साथ खेलूँगी, और उसके बाद मैं उसे दूध बना के दे दूँगी, और फिर मैं करने लग जाऊँगी अपने कपड़ों पर आयरन। और मैं कपड़ों पर आयरन कर ही रही थी कि तभी नीचे एक अंकल है काम करने वाले, वो सडनली ऊपर आ गए, और मैं इतना भयंकर डर गई, क्योंकि ये कभी ऊपर आते नहीं, और ये थोड़ा सा
मेंटली डिस्टर्ब भी हैं तो मेरे को इनसे डर लगता है। और ये चले गए फाइनली, इन्हें मैंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, डर तो लग रहा था और घर पे कोई था भी नहीं, तो मैंने कहा आप जाओ नीचे कोई बुला रहा है आपको। तो ये आराम से चले भी गए थे, कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे को डर लगता है, ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है तो मेरे को लगता है, हालांकि कुछ कहते नहीं हैं ये, लेकिन फिर भी। और अभी मैंने काइयों को दूध बना के दे दिया है तो वो दूध पी रही हैं। जब तक वो दूध पियेंगी तब तक ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ये मैं आयरन कर लूँगी। और मेरे को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपड़ों से, कपड़े धुलना और बाकी चीज़ें करने में इतना नहीं होता है, लेकिन कपड़े फोल्ड करके रखना, आयरन करके रखना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन करना तो है ही है। और काइयों की जो यूनिफॉर्म होती है उस पर डेली टू डेली करना होता है मेरे को, जैसे स्कूल जाती है तो मैं रात को ही सारी तैयारियाँ करके रख देती हूँ। तो अभी जितने कपड़े थे आयरन वाले उन पे सभी पे मैंने आयरन कर दिए, और अब इन सभी कपड़ों को मैं कवर्ड में लगा दूँगी। सबके कपड़े अलग अलग होते हैं तो अलग ही रखूँगी, अगर एक साथ रख देती हूँ ना तो अगर एक कपड़ा निकालो तो सारे कपड़े निकल जाते हैं। और काइयों का ऐसा है कि वो बार बार खोलती है और दिन में कम से कम 4 या 5 बार अगर उसे मौका मिल जाता है तो वो कपड़े चेंज करती रहती है, ऐसा उसका होता है। और अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग और काइयों के स्कूल जाने की जो तैयारी है वो यहाँ पे हो रही है, तो मैं अभी कर रही हूँ उसके शू पॉलिश। इतने ज़्यादा गंदे यूनिफॉर्म इतनी ज़्यादा गंदी करके लेके आती है, एक्चुअली में बच्चे 2 साल स्कूल गए नहीं है और अभी स्कूल जाना इनका स्टार्ट हुआ है, और तो इनको अभी इतना आइडिया है नहीं बिल्कुल भी। और घर में तो ये इतना पैम्पर होते हैं कि, और स्कूल में इनको सारी चीज़ें खुद से करनी होती हैं, तो अभी इन लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, खाना भी खुद नहीं खा के आ पाते हैं ये, तो अभी ऐसा ही। और मैंने यहाँ पे निकाल दिया यूनिफॉर्म और काइयों को भेज दिया है स्कूल, और अभी काइयों स्कूल चली गई है। पूरा घर जो है इतना ज़्यादा फैला पड़ा है कि मैं क्या ही बताऊँ, समझ नहीं आता स्कूल जाने के बाद में काइयों के, ऐसा लगता है कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ, इतना ज़्यादा फैल जाता है ना पूरा घर। लेकिन स्कूल से 12 बजे के समथिंग आती है तो उससे पहले मैं सारा जो है क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद में फिर मेरे को उसी में लगना पड़ता है 2-2.5 घंटे का आयु में, उसका खाना खिलाना और उसकी यूनिफॉर्म चेंज करना, फिर उसका होमवर्क कराना, तो मेरा सारा टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है। अभी मेरा जितना भी काम है ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा बचा है, तो अभी मैं वॉश बेसिन को क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा मैं तभी लगाती हूँ जब मेरे को नहाने जाना होता है, सॉरी वॉश बेसिन मैं तभी क्लीन करती हूँ जब मेरे को नहाने जाना होता है, तो अभी मैं पोछा लगा के सिर्फ नहाने जाने वाली हूँ। और अगर एक दिन वॉश बेसिन को क्लीन ना करो ना तो ऐसे लगता है जैसे आज घर में झाड़ू पोछा हुआ ही नहीं है, आज घर साफ है ही नहीं, तो ऐसा कुछ लगता है। तो अभी ऑलमोस्ट सारे काम जो है वो हो गए हैं, लास्ट में बचता है पोछा, तो अभी फटाफट से मैं पोछा लगा के नहा लूँगी और उसके बाद मैं वेट करूँगी काइयों के आने का। वैसे जब भी वो आती है तो आकाश लेने जाते हैं उसे, और वो गाड़ी में ऐसे ना कॉल करती है, वीडियो कॉल करती है कि दिखाओ मेरे को क्या। वैसे ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई मेरे को काम करते करते, मैं दोपहर को लेट गई थी और ब्लॉग का एंड ही करना भूल गई कि मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं करी है अभी। सो गाइज, आई होप कि आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और जो भी खाना पीना मैंने बनाया जितना पॉसिबल हो सका ना उतना मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि जिस दिन पूजा होती है ना बहुत जल्दी जल्दी में होना होता है सारा काम, और जल्दी जल्दी के चक्कर में इतना फिर कैमरा उठा के शूट करने का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो जितना हुआ मेरे से जल्दी जल्दी में उतना करा है, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करा है। तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं वो भी बताना ना भूलें आप। तो चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और खुश रहिए और खूब सारा मेरे चैनल को प्यार दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, ये आपका अपना चैनल है। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय। और अभी मैं करूँगी, कल से करूँगी मैं दूसरे ब्लॉग की स्टार्टिंग, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी मन है नहीं वीडियो शूट करने का, तो मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो भी जल्दी आएगा। चलो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।